नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ की डाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए जब स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल, डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो ये रिकरेंट होता है, बार 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 आपको ऑब्स्ट्रक्शन होता रहता है। तो इसमें बताया गया है ईटिंग स्मॉलर पोर्शन मोर ऑफन, हमेशा छोटा छोटा फूड खाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा थोड़ा पेट भर के नहीं खाना है, च्यूइंग फूड वेल, मतलब खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएं। अवॉइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर फूड, जो फाइबर डाइट होते खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, होल ग्रेन, सीरियल्स एंड नट्स, ये कम खाने। नट्स मतलब मूंगफली, बादाम वगैरह। कटिंग डाउन ऑन कैफीन, कैफीन चाय, कॉफ़ी ये कम लेनी है क्योंकि ये इरीटेट करती हैं बाउल को। अवॉइडिंग टफ और स्ट्रिंगी फूड सच एज़ सीलियरी, ड्राइड मीट, जैसे रोस्टेड मांस वगैरह है वो नहीं खाना है। पीलिंग फ्रूट और वेजिटेबल्स टू मेक इजियर टू डाइजेस्ट, जैसे केला है, ये सब आप खा सकते हैं छिलके, जो कि डाइजेस्ट इजी से हो जाता है। कुकिंग फूड अंटिल इट सॉफ्टन, खाना जब तक पकाओ, सब्जियां जब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती, तो सॉफ्ट फूड खाना है आपको आंतों के ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। फोकसिंग ऑन ईटिंग मोस्ट मॉइस्ट डिशेज सच एज दोज विद सॉसेस, सेवरल लाइफ स्टाइल चेंजेस कैन हेल्प बूस्ट। आप योगा कीजिए, वही सारी चीज़ें, डाइजेस्टिव हेल्थ, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस कीजिए। फिर इसमें आता है जैसे एक्सरसाइज मोर करो, कीपिंग हाइड्रेटेड, खूब पानी पीते रहो। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, आंतों में जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट नहीं हो पाता है। एब्जॉर्प्शन वाटर का इंटेस्टाइन से होता है लार्ज, तो वो ज़रूरी है ताकि स्टूल सॉफ्ट रहे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने से। ट्राइंग टू लिमिट स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने से ये स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ता है, ध्यान रखें। अवॉइडिंग और क्विटिंग स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। गुटखा तंबाकू खाते हैं या दारू वारू पीते हैं, तो या तो बंद कीजिए या कम कीजिए। उसके बाद अवॉइड होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स अलॉन्ग विद बीन्स, जो बीजदार सब्जियाँ हैं, फल हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, खीरा वगैरह नहीं खाना है। फिर ये राजमा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब आपको अवॉइड करने हैं, जैसे बादाम, अखरोट वगैरह सब दिख रहा है आपको। इफ़ यू आर गोइंग टू ईट फ्रूट्स, अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं, मेक श्योर दे आर कैन्ड और पील्ड। ध्यान रहे जो वेजिटेबल्स हैं वो आपका छिला हुआ होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए, और उनमें बीज नहीं होने चाहिए। बीजदार फल आपको नहीं खाने हैं। उसके अलावा चूज़ रिफाइंड ब्रेड्स एंड सीरियल्स लाइक वाइट ब्रेड, वाइट राइस एंड फ्लोर टॉर्टिलास इंस्टेड ऑफ होल ग्रेन ऑप्शंस। आप सफ़ेद चावल खा सकते हैं, वाइट ब्रेड खा सकते हैं, वाइट चपाती ले सकते हैं। ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना है, पेट भर के बहुत सारा नहीं खाना। जैसे आपको इस प्लेट में दिख रहा है इतना सा ही आपको लेना है, पर वो हर थोड़ी देर में खाना है, 2-3 घंटे में, पेट भर के नहीं खाना है, ध्यान रखें। फिर जो मैंने बताया था कि पानी खूब पीना है, मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो 8-10 गिलास पानी पीना है, एक गिलास आप मान के चलिए 200-300 ml, 3-4 लीटर आराम से जितना हो सकता है पानी पीजिए, आप मैक्सिमम पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। लो फाइबर फूड्स जैसे कुक्ड मीट, फिश और पोल्ट्री, एग्स आप ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, आइसक्रीम, चीज़, कोटेज चीज़, योगर्ट डोंट कंटेंट फ्रूट्स और नट्स, सो ये ले सकते हैं। वेल कुक्ड फ्रेश कैंड वेजिटेबल ले सकते हो, अच्छे से उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो, सूप पी सकते हो, कैंड और कुक्ड फ्रूट्स खा सकते हो, जिनमें बनाना छिला हुआ खा सकते हो, मिलन तरबूज खा सकते हो बीजों के बिना, पीचेस खा सकते हो विदाउट स्किन के, फ्रूट जूस ले सकते हो विदाउट पल्प के, एप्पल सॉस ले सकते हो, रिफाइंड वाइट ब्रेड जो मैंने बताया था, वाइट राइस, वाइट पास्ता खा सकते हो, सफ़ेद पास्ता आता है वो खा सकते हो। उसके अलावा फूड यू शुड नॉट टू ईट लाइक होल ग्रेन ब्रेन ओट मील, ब्राउन राइस नहीं खाना है, ब्राउन राइस जो आता है, होल वाइट पास्ता नहीं खाना है, होल व्हीट पास्ता, होल ग्रेन ब्रेड नहीं खानी है, जो ब्राउन ब्रेड है वो नहीं खानी है। एनी फूड हैव सीड्स और नट्स, जैसे वही सूखा मेवा जिसको हम कहते हैं काजू, बादाम, मूंगफली वगैरह, ये नहीं खानी है। एनी रो वेजिटेबल एक्सेप्ट फॉर लेट्स, फूड्स दैट कॉजेज गैस, जो आपके पेट में गैस बनाते हैं, स्प्राउट्स वगैरह जैसे होते हैं, मूंग मोठ चना, ये सब नहीं खाना है आपको, ध्यान रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एनी फूड दैट हैव सीड्स और नट्स मैंने बताया था, फूड्स दैट कॉजेज गैस वो अपन को नहीं लेना है, जैसे कैलीफ्लावर, ब्रैकोली वगैरह,
कॉर्न होता है मक्के का दाना, वो नहीं खाना है। पीस मटर वगैरह बेरीज है ये नहीं खानी है। ड्राइड फ्रूट्स मैंने मना किए हैं, रॉ फ्रूट्स तो आप समझ गए होंगे। देखो अभी स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का एक समरी मैं बता देता हूँ आपको। वो फ्रूट्स खाने और वो सब्जियाँ खानी जो आपको तकलीफ़ नहीं देती। सफ़ेद चावल ले सकते हो, थोड़ा दाल का पानी ले सकते हो आप, ठीक है। सब्जियाँ खा सकते हो अच्छे से उबली हुई, और चबा चबा के खाना है, हर थोड़ी देर में खाना है। खूब पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, जूसेस पीने हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। कुल मिला के बात यह है, सॉलिड डाइट आपको ज़्यादा नहीं लेनी है जो आपकी आंतों में रुकावट करे। प्रोटीन पाउडर आते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एनश्योर प्रोटीन, वो आप पानी से ले सकते हैं, दूध के साथ थोड़ा हैवी रहता है। दही छाछ आप ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आपको लाइफ स्टाइल में अपनानी है, एक्सरसाइज करनी है। दारू सिगरेट बीड़ी या कोई ड्रग वगैरह लेते हैं तो वो अवॉइड करना है। केला खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, खरबूज खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।